तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आया हूँ राजस्थान के बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में काफ़ी सारे गार्डनर से मिलने का मुझे मौका मिला है। पहले की कुछ वीडियोस में आपने मुलाकात की थी दर्शिका व्यास जी से, जिनका गार्डन बहुत ही सुंदर है। आज मुझे दूसरे गार्डन में आने का मौका मिला है, तो आज मैं आ चुका हूँ रोशाली जी के गार्डन में, जो कि पेशे से एक टीचर है, लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ वो एक बागवान भी हैं। तो पिछले 10 साल से लगातार बच्चों को तो पढ़ाई रही हैं, लेकिन साथ ही साथ बागवानी भी कर रही हैं। उससे भी पहले से बागवानी कर रही हैं, लगभग बचपन से ही उनको बागवानी का शौक रहा है, और अलग अलग प्लेस पे जहाँ भी हो रही वहाँ पे वो बागवानी करते रहे। फाइनली अब अपने घर में है, तो 2006 से यहाँ पे भी कंटिन्यू बागवानी कर रही हैं। गार्डन बहुत ही सुंदर है, पूरा का पूरा गार्डन टूर कराने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे रोशाली जी से और जानेंगे आखिर वो कैसे इतने अच्छे से बागवानी कर पा रही हैं, तरह तरह के पौधे किस तरह उन्होंने लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जो जनरल पौधे, जो कि हम काफ़ी टेंशन लेते हैं कि हम फ्रूट प्लांट अपने गार्डन में कैसे लगाएं, फ्रूटिंग कैसे मिले, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखने वाले हैं कैसे वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग ले पा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे सीताफल भी कई लोग कहते हैं, मैं शरीफा कहता हूँ, उसका एक ट्री मौजूद है जो कि उनके हाथ का ही लगा हुआ है, और इस पर अभी 50 से भी ज़्यादा फल मौजूद है, जिनमें से एक फल उन्होंने मेरे लिए स्पेशली अभी निकाल के भी रखा हुआ है, जो कि मैं टेस्ट करूँगा, पका हुआ फल है, तो वो मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा कैसा लग रहा है। तो इस तरह की काफ़ी सारे उन्होंने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, गुड़हल कुछ अलग वैरायटी से उनके पास हैं, और कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिसे आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैम है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र की भी काफ़ी सारी सब्जियां आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो आपको बताना चाहूँगा, मैं यूँ ही बांसवाड़ा और भारत के अलग अलग जगहों पर जाके भारतीय गार्डनर को कवर करता हूँ, उनके गार्डन को कवर करता हूँ, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और मुझे बुलाना चाहते हैं तो दी गई मेल आईडी पर अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड कर सकते हैं, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अरे नमस्ते संदीप जी, आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बहुत दूर से, दिल्ली से हमारे गार्डन को कवर करने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सो मच आपने मुझे मौका दिया कि बांसवाड़ा का एक और बेहतरीन गार्डन मैं कवर करता हूँ, और फाइनली फ्रेंड देखिए बहुत ही अच्छे से मैम ने डेकोरेशन कर रखी है, और तरह तरह के पौधे भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो मैम, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आपका गार्डन दिखाने से पहले, बांसवाड़ा के इतने सुंदर गार्डन में आ चुका हूँ, तो यहाँ का जो बागवान है, जो हमारे गार्डनर है, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, आखिर कब बागवानी शुरू की थी, कैसे रुझान आया, पौधों से प्यार कैसे हुआ, किस तरह ये सफ़र चल रहा है? नहीं, पौधों से प्यार तो मुझे बचपन से रहा है जी। एक्चुअली मुझे मतलब कहीं से भी, मुझे एक छोटी सी डंडी मिल जाती थी छोटे छोटे गमले में, मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ, गुलदाउदी के पौधे हो या झेंडू जिसको बोलते हैं आप, मेरी गोल्ड जिसको बोलते हैं हम, तो ये सब फ्लावरिंग मैं घर पर ही करती थी। फिर साथ साथ में, फिर जो भी मेरे को जो भी कंटेनर मिलता था, पहले तो इतना नहीं होता था कि भाई हमारे लगाने वाले गमले हैं, ये है, जो भी गमले तो होते ही थे, बट गमले मुझे कम पड़ जाते थे एक्चुअली, तो फिर मुझे घर में भी जो भी बर्तन मिलता था या जो भी कंटेनर, जो खाली बर्तन होते थे उससे भी। अब आप देख सकते हो कि ये जो कुल्हड़ है, हमने बाहर कहीं जाते अपन चाय पीते तो आप लोग छोड़ देते होंगे, बट मैंने कुल्हड़ भी उठा के लाए हैं और उसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं। मतलब शुरू से ही बजट बागवानी पे ध्यान रहा। हाँ, बिल्कुल। और मैम, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप एक टीचर भी हैं। हाँ। तो टीचर के साथ साथ आप गार्डनर भी रहे, तो टाइम को कैसे मैनेज कर रहे थे? नहीं, टाइम तो मुझे एक्चुअली जिस चीज़ के हमें चाह होती है उसके लिए हम तो निकाल ही लेते हैं। और फिर एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, तो वो एक्चुअली मैं हमारे इसमें भी यूज करती हूँ, जो मेरे तेल के कंटेनर्स है या जो कंटेनर्स आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, उसको मैं कलर करके उसमें पौधे लगा लेती हूँ। फिर साथ साथ में
जब भी मुझे मतलब हर संडे तो मेरा मेरे छत पे या गार्डन में ही जाता है। nice. लोग हर जगह पे दूर दूर घूमने जाते हैं बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मुझे मेरे गार्डन में रुकना होता बचा है हुआ सारा समय अपने गार्डन में ही मैं गार्डन में रहती हूँ और मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल फ्री और बिल्कुल टेंशन फ्री सा लगता है। मतलब ये एक मतलब एनर्जी बूस्टर का काम करता है मेरे लिए एक्चुअली। तो मैम फैमिली में अभी कौन कौन सपोर्ट करते हैं या हाँ। फिर अकेले ही करना पड़ता है? नहीं एक्चुअली पहले मैं अकेले करती थी। अच्छा। लेकिन अब मेरे हस्बैंड भी करते हैं मतलब मेरे पौधे देख देख के वो मेरे सपोर्ट में आ गए। फिर मेरे दोनों बच्चे भी आ गए। कभी कभी हो जाता है अब जैसे गर्मी में दोनों समय पानी देना पड़ता है तो मैं थक जाती हूँ तो मैं बोलती बेटा कर दे तो कर देती हूँ। जैसे मेरी बेटी अभी आजकल उसको भी बहुत ज्यादा जैसे कि वो पेशे से डॉक्टर है बट उसको भी एक्चुअली इतना ज्यादा शौक है। अभी पहले पहले उसको समझ में नहीं आता था वो पूछ लेती थी कि मम्मी इसको कैसे करना है इसको कितना पानी करना है देना है वो लेकिन वो करती। लेकिन उसको क्या ये सब डेकोरेशन किया है तो ये उसी का है। ये उन्होंने किया? हाँ ये उन्होंने किया हुआ है। डेकोरेशन तो उसको क्या पेंटिंग के शौक है और दोनों का मिला के हमने हमारा गार्डन सजाया हुआ है। तो ये बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है और आज हम टूर करने वाले हैं मैम के गार्डन का। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे क्योंकि अभी तो हमने एंट्री की है ये गार्डन आपके सामने है लेकिन अभी छत पे भी जाना बाकी है। छत पे भी काफी कुछ है जिसे देख के आप हैरान होने वाले हैं। ठीक है संदीप जी आप आए हो तो मैं आपको सबसे पहले मेरा सिटिंग एरिया बताती हूँ जी। जो मॉर्निंग में है अपनी शुरुआत न्यूज़पेपर के साथ होती है तो न्यूज़पेपर में हमेशा यहाँ पे बैठ के चाय की चुस्की के साथ पढ़ती रहती हूँ। साथ साथ में जब नहाती हूँ तो उसके बाद मैं पूजा करती हूँ तुलसी जी को जल चढ़ाती हूँ। तो आपने देखा होगा हमारे जो तुलसी वृंदावन है वो कितना अच्छे से सजाया हुआ है। ये सब सजावट मेरी बेटी ने की हुई है। वाह तो इसको अच्छे से उसने सजाया है। रात को तो और अच्छा लगता है यहाँ पे। ये पेंट सारा कुछ उन्होंने हाँ ये सब उन्होंने किया हुआ है। नाइस। तो फ्रेंड हम वीडियो के एंड में इनकी बिटिया से और हस्बैंड दोनों से ही मिलने वाले हैं और उनसे ही बात करेंगे। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मेरा सीताफल का हरा भरा पेड़ आप देख रहे हो ऊपर और इसके ऊपर 50 से भी ज्यादा सीताफल आप इस समय देख सकते हो। नाइस। और आपके स्वागत के लिए बोलो या कुछ भी लेकिन ये हमारा एक सीताफल कल ही नीचे गिरा था और बिल्कुल ऑर्गेनिकली ग्रोन है और उससे इसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है। आप इसको खा के देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं जरूर टेस्ट करूंगा। तो ये एक सीताफल है आप खा के देखो। लीजिए आप इसको खा के देखिए और बताइए सबको। टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ये देखिए बाजार से खरीदा हुआ और होम ग्रोन कैसे होता है। आपको भी इसका अंतर समझ में आएगा कि इसमें कितनी मिठास होती है। बिल्कुल शहद की तरह लग रहा है। लग रहा है हाँ अमेजिंग। तो आप अगर देखोगे मेरे गार्डन में जैसे ये मटके है हमारे जैसे हम गर्मी में इसमें पानी कर लेते हैं फिर एक सीजन का दूसरे सीजन में यूज नहीं करते तो मैंने इसको देखो एक फ्लावर होल्डर के जैसा यूज कर लिया। इसमें कोई भी गमला रख सकते हैं आप। फिर वो कॉफी के पॉट्स है पेंट के पॉट्स है दूध का डिब्बा है तो ये सब घर की ही या फिर वो जो पाइप है जो हमारा घर जब बना था तो एक ड्रेनेज का पाइप बच गया था तो मैंने उसका यूज करके उसका हैंगिंग बनाया था एक्चुअली बट अभी वो थोड़ा सा नीचे गिर गया एक्चुअली। तो ये भी एक पाइप से बना हुआ है। आइए संदीप जी मैं आपको अपने गार्डन के बारे में और कुछ बताना चाहती हूँ। जी जैसे ये ऑक्सेलिस का पौधा है दिन में इसके फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं और आप देख रहे हो इसका कलर जो पर्पल कलर है नॉर्मली हमें कोई भी पत्ते इस कलर के नहीं मिलते तो ये गार्डन में इतनी शोभा लाता है। साथ साथ में आप ये अलग अलग क्रोटॉन्स देख रहे हो। ये देखिए कोलियस है फ्रेंड बहुत ही सुंदर। एग्लोनीमा भी यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ है सुंदर सा सिंगोनियम। मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स की मैम आपने स्पाइडर प्लांट है। जी स्पाइडर भी है मतलब आपके गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट ज्यादा है ना। ब्यूटीफुल मैम ये पीछे क्या है ड्रेसीना। ड्रेसीना हाँ वाओ देखिए आप इसके भी अलग अलग कलर्स देख सकते हो मेरे गार्डन में। ये आपको एक तो यहाँ मिल रहा है वाह ये कोलियस है। स्नेक प्लांट है ब्यूटीफुल। इसकी एक आपने यहाँ पे टाइप देख ली एक वहाँ पे है एक पीछे की तरफ है जो बड़ी लीव्स में है सिंगोनियम। ये रहा सिंगोनियम तो सिंगोनियम है। क्रोटोन की भी कई वैरायटी मैम के पास है। इसके अलावा अग्लोनीमा की भी वैरायटी काफी है मैम के पास। मतलब ऑर्नामेंटल्स में काफी इन्होंने काम किया हुआ है। तो मैम अगर कोई व्यूअर ऑर्नामेंटल प्लांट आपकी तरह ग्रो करना चाहता है किस तरह ग्रो कर सकता है कितनी सनलाइट चाहिए कैसे ग्रो करना है और डिवाइड कैसे करना है मल्टीप्लाई कैसे करना है तो इसकी सबसे पहली बात तो इसमें कोई ज्यादा आपको
केयर करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसको 2-3 घंटे की भी सनलाइट सफिशियंट होती है। जैसे ये स्पाइडर प्लांट है, आप इसको घर में रखोगे तो ये एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है। फिर ये स्नेक प्लांट है, ये भी एयर प्यूरिफायर है। और बाकी ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको बस 1 या 2 घंटे की हल्की सी गुनगुनी धूप भी हो तो भी ये लग जाएंगे। और इसके लिए जो सॉइल होती है उसको 3-4 जो अलग अलग, जैसे कि कोकोपीट है, सैंड लेती है भूमि में उसमें, फिर नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो है, तो इन सभी को मिक्स करके मैं एक मिक्सचर बनाती हूँ और उसको गमले में वन बाय वन, जैसे नीचे की तरफ हमें कुछ रखना है, जैसे गमला एक तैयार करने की भी एक प्रोसीजर होती है एक्चुअली, right. आपको पता होगा वो कि सबसे नीचे हमें उसके ऊपर कुछ ढकना होता है, उसमें छेद भी होना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, right. फिर उसके ऊपर कुछ आधा गमला तो मैं फूल पत्तियों से रखती है। अच्छा। जो सूखे हुए फूल पत्ते, जैसे हम भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं, मेरे घर में फूल भी बहुत ज्यादा है तो मैं वो भगवान को चढ़ाती हूँ, तो वो जो निर्माल निकलता है तो उससे भी जो मैं उससे भी कंपोस्ट बनाती हूँ या उसको भी नीचे की तरफ रखती हूँ, तो मुझे उससे जैसे क्या बोलते हैं कि जो फूल मैंने उगाया उसको भगवान पे चढ़ाया, फिर से मैंने नए प्लांट में भी वही फूल लगाया। मतलब इसी तरह से मेरा ये रिसाइकलिंग कंटिन्यूअस प्रोसीजर में चलते रहता है। फ्रेंड, फूलों की और पूजा की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैम का जो गुड़हल का पौधा है, ये देखिए कितने बड़े बड़े इस पे गुड़हल लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा पास करके आपको साइज दिखाना चाहूंगा और कलर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इतने बड़े साइज में इतना सुंदर शेड है फ्लावर का। अक्सर आप इस तरह के बड़े फ्लावर हाइब्रिड गुड़हल जब लेने जाते हैं नर्सरी में वहाँ पर ही मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार नज़र कराना चाहूँगा। ये देखिए इतना बड़ा ट्री यहाँ मौजूद है, हाइट होगी लगभग 8 से 10 फुट और उस पर इतना बड़ा फ्लावर है। हाइब्रिड नहीं, प्रॉपर जो देसी होता है वही है, लेकिन फ्लावर जो है वो बड़े साइज में आ रहे हैं। मैम एक बर्ड हाउस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, ये कब लगाया आपने? ये तो इसको भी 6 महीने हो गए, बट मैं आपको नेचुरल बर्ड का घोसला दिखाती हूँ। ये वाला आर्टिफिशियल है? हाँ, ये वाला आर्टिफिशियल है, बट हमारे गार्डन में नेचुरली भी, जैसे हमारा एक नर्सिंग होम जैसा ही है, कंटिन्यूअस यहाँ पे बर्ड्स अपने घोसले बनाती, घोसले बनाती रहती है। अभी 2 दिन पहले इसके जो मैच्योर चिक्स है वो अभी से इसमें से चले गए हैं। अच्छा। 3 उसमें प्यारे प्यारे टेलर बर्ड्स के चीक्स थे और दिन भर वो उनको फीडिंग करती थी, तो इसको देखने में भी इतना प्यारा लगता है। अगर आप सोचोगे उसको देख के भी बहुत अच्छा। वीडियो होगा आपके पास? हाँ, इसका वीडियो मुझे शेयर करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसका वीडियो भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, अभी चिड़िया के घोंसले को हाथ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि बच्चे अब यहाँ पर नहीं है, वो उड़ चुके हैं यहाँ से। फैमिली फैमिली जा चुकी है, नहीं तो छेड़ते नहीं है ना? छेड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़े। अगर प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखें, राइट, तो मैम की तरह ही अगर आपके गार्डन में भी ऐसा कोई घोंसला वगैरह चिड़िया बना रही है या बच्चे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपको उन्हें पता भी नहीं चलने देना कि आपको वहाँ पता है कि वहाँ बच्चे हैं। देखते हो, ये हमारा अमरूद का पौधा है, इसमें 2-3 बार अमरूद लगे हैं, अभी इस सीजन के अभी आए नहीं है। कौन सा अमरूद? ये अमरूद है, अमरूद का पौधा। ये अमरूद, ये तो अंदर से व्हाइट है या पिंक है? नहीं, ये तो व्हाइट ही है, अंदर से व्हाइट व्हाइट है। मिठास कैसी है? बहुत मीठा मीठा है। राउंड वाला है या लंबे वाला है? इसके भी मतलब हमने छोटे ही फल खाए अभी तक, लेकिन बहुत मीठे मीठे। इसी के साथ ही मैम देख रहा हूँ आपने बहुत सारी अरेलिया की वैरायटी लगा रखी है। वाओ, ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं हमारे, कम से कम 5-6 साल के तो ये भी हो गए, लेकिन हर साल मैं इसको गमले में से निकालती हूँ, फिर उसकी सॉइल चेंज करती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए इतने हेल्दी से आपको लग रहे हैं। वाह, और एक और चीज मैम देख रहा हूँ, आपने नीचे जो मल्चिंग है वो कर रखी है कोकोनट के जो। हाँ। ये तो एक्चुअली गर्मी के लिए मैंने किया था। यहाँ राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा होता है, राइट, तो पानी कम लगे और पौधों में भी थोड़ी सी ठंडक रही, इसलिए तो इसके नीचे मैं गर्मी में ईंटें भी रखती हूँ, क्योंकि नीचे फ्लोरिंग गर्म होती है, राइट, तो अगर ईंटें रखे हम इसके नीचे तो ये ठंडक रहती है इसको। बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका। और इसी के साथ ही हमें एक और ब्यूटीफुल क्रोटोन देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए कॉर्नर पे बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम, और इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। कितना पुराना प्लांट है ये? भी 7-8 साल पुराना तो है ही है। वाओ, ब्यूटीफुल। और यहाँ ये जो कॉर्नर है, अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल, बोल सकते हो आप इसको, यहाँ
मतलब ये बहुत पीसफुल गार्डन है। जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हाँ कभी आते हैं ना तो कोई अंदर आना नहीं चाहता एक्चुअली। अच्छा। सभी को यही बैठना है, यही बैठ के फोटो खींचने हैं और यही बैठ के बातें करने हैं, कोई भी हमारे अंदर आना नहीं चाहता। मतलब एक्चुअली अंदर भी हमारे बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है, बट सभी यहाँ आके ही रुकते हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा, अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे देख के हैरान रह जाएंगे, तो आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत यूनिक यूनिक मैं आपको चीजें दिखाने वाला हूँ। हाँ। मैम इस कॉर्नर पे आपने यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक ट्री गार्डन बना रखा है। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी डेकोरेशन भी है, नीचे पॉट भी बहुत ही सुंदर है। हाँ, और ऊपर हाँ, मैं देख रहा हूँ बरगद है बहुत ही अच्छा। हाँ, हाँ, जिसपे एक और घोंसला नजर आ रहा है मुझे। हाँ, तो ये पहले वाली स्पैरो का है क्या? हाँ, ये पहले वाली स्पैरो का है, इसके भी पहले हुआ था। अच्छा। और इसमें से भी अच्छे से हेल्दी बच्चे बाहर निकले हैं और बाद में हमने ये आर्टिफिशियल उसमें सजाने के लिए रखे। अमेजिंग। और पीछे देखिए एक मनी प्लांट लगाया है, साइड में लगी हुई एक फन की वैरायटी, बहुत ही सुंदर। तो ये जो कॉर्नर है इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। इधर एक और अरेलिया दिख रहा है हमें ग्रीन कलर का, और ग्रोथ इसकी भी बहुत अच्छी है। और वैसे तो मैं मैक्सिमम जो प्लांट है आपके वो सारे हरे भरे हैं, कीड़े कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं पे धूल भी नजर नहीं आ रही। हाँ। तो ऐसे कैसे मेंटेन कर लेते हैं सारी चीजें? मैं तो नॉर्मली इसमें कोई भी जो हमारा नेचुरल होता है ना जी, तो उसका ही यूज करती हूँ। जैसे कि जो नीम ऑयल जिसको बोलते हैं हम, नीम ऑयल डालते हैं। अच्छा। और साथ साथ में वो जिसको बोलते हैं जीवामृत, जिसको हम घर पे ही बना सकते हैं। हाँ, हाँ, वो आप बनाते हो? हाँ, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके। बायो एंजाइम बनाते हैं? हाँ, बायो ऑर्गेन। ओके, नाइस। तो उसका मैं खुद का ही बनाती हूँ, जैसे मतलब किचन वेस्ट से ही खुद तैयार करके बनाती हूँ। तो उसको डाइल्यूट करके मैं उसको बीच बीच में। तो आपने भी कौन कौन से बना रखे हैं? तो मैंने एक नीम का बनाया हुआ है, नीम मतलब खाने वाला नीम एक्चुअली। राइट, राइट। और एक नीम का पत्तों का भी बनाया हुआ है। ओके। हाँ, और साथ साथ में फिर अपना नीम ऑयल में शॉप से भी ले आती हूँ। शॉप से भी ले आती हूँ। इसके अलावा मैम आप मिट्टी जो है वो खुद ही तैयार करते हैं, तो कंपोस्ट जो है वो भी खुद ही तैयार करते हो? कंपोस्ट तो मैं खुद तैयार करती हूँ। अच्छा। वो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे छत पे ऊपर रखा हुआ है। ओके। तो जो अपनी किचन की मेरी सब्जियाँ होती है, जो उस बचे हुए डंडूक है उसके जो छिलके होते हैं, या आपका जो झूठन बच जाती है, या आपकी जो आप घर में, मैं घी भी घर में बनाती हूँ, तो जो छाछ थोड़ी पुरानी हो जाए तो मैं वो एज अ बायो एंजाइम्स उसके लिए यूज करती हूँ। ब्यूटीफुल। तो अभी जब ऊपर चलेंगे तो वो हम खाद भी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं आप, है ना। एक मैम और पेंटिंग नजर आ रही है मुझे। हाँ, बहुत ही सुंदर। ये वारली पेंटिंग है, महाराष्ट्र की फेमस है, ये मेरी बिटिया ने बनाई है। तो ये महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग है। हाँ, और मैम भी है महाराष्ट्र से, है ना। हाँ, मैम बिल्कुल बिल्कुल, औरंगाबाद से। तो फ्रेंड जितने भी फ्रेंड अभी महाराष्ट्र से देख रहे हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट करो मुझसे ताकि महाराष्ट्र भी आ पाऊं। दिखा सकते हो, ये लिपन आर्ट है। कौन सा वाला? ये। वाओ, ये चलते हैं नीचे की तरफ और इसे भी देखते हैं। तो ये क्या पुराने स्टूल से बनाया गया? हाँ, एक्चुअली ये स्टूल भी ऐसे टुकड़ों में बना हुआ है। अच्छा। ये हमारे क्या बोल, ये जो ऐसे घर में जो फर्नीचर का काम हुआ तो उसमें से जो टुकड़े बचे, जैसे ये एग्जॉस्ट पान का जो गोल निकला था बीच में। अच्छा। से उसको हमने यूज किया है, फिर मेरी बेटी ने इसको कांच और इससे सजाया है, जिसको लिपन आर्ट बोलते हैं। ब्यूटीफुल। तो इससे एक अच्छा सा साइड टेबल बन गया हमारे लिए। फिर ये भी जो है, ये टुकड़ों में देख रहे होगे आप, ये जो अच्छा अरेंजमेंट भी है, ये भी हमने। हाँ, तो जो हमारे कारपेंटर साहब है वो भी बोलते थे कि आप कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देते। मैंने कहा वेस्ट जाएगा तो हमें ही हार्मफुल होगा, तो यूज करेंगे एक्चुअली। बिल्कुल। हाँ। तो ये देखिए इस तरह की चीजें जो गार्डनर हैं अपने गार्डन में डेकोरेशन के लिए बनवा लेते हैं। तो मैम ने भी बनवा रखी है। ये जो प्लांट्स है मैम बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, कितने पुराने हैं, क्या नाम है इनका? अभी तो लगभग हर दो तीन साल पुराने हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती तो उसको मैं निकाल देती हूँ बारिश के। बारिश में जो फर्स्ट मंथ होता है जब बारिश हो जाती है, तो उसमें मैं नॉर्मली सभी इसकी अच्छे से प्रूनिंग करती हूँ, जो ओल्ड है उसको निकाल देती हूँ। तो इसमें कुछ ओल्ड भी होगा, कुछ नया भी होगा, ऐसे हो। संदीप जी आप देख सकते हो यहाँ पे कैलेडियम है, इसकी भी तीन वेराइटीज मेरे पास है। आप देखोगे ये है एक, तो एक ये है, दो कलर में है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा पिंक और ग्रीन के साथ। और ये आप देखिए, ये तो बहुत ही प्यारा है। नाइस। और इसमें बहुत फ्रेंड्स, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं। हाँ। तो आपको जो भी पसंद है आप लेकर आ सकते हो। तो ये कैलेडियम है, बगल में है पेडिलेंथस, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम के गार्डन में एक हमें ट्रैक्टर भी नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। मैम खेती भी होती है क्या यहाँ पर?
हाँ बस वो भी शौक पूरा करना चाहते हम ये आप देखो कि पीस ले लिए, व्हाइट कलर की पीस ले लिए, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, बट ये ऐसे ही बहुत सुंदर सी लग रही है। लीस बहुत ही अच्छी है, हाँ। बहुत ही सुंदर। और जैसे कि हम अभी है राजस्थान बांसवाड़ा, तो यहाँ वॉल पे देखिए कितनी सुंदर आपको झलक नजर आ रही है। क्या लिखा हुआ है मैम इसमें? लिखा है राम राम सा और पधारो सा लिखा हुआ है, और वो मराठी में लिखा है हमारा, हो नावाड़े इथेच राहतात, मतलब हाँ जरूर यहाँ पे नावाड़े यही रहते हैं, नावाड़ेज यहाँ पे ही रहते हैं। और ये इस वॉल के बारे में बताऊँ कि इसका ये हमने मेरी बेटी ने कोरोना में किया है एक्चुअली, जब वो कोरोना में यहाँ आई थी। अच्छा, तो ये कोरोना के समय का सदुपयोग है, घर में हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब से अब तक ऐसे ही है। हाँ अरे वाह, तो हम इनकी बिटिया से पूछेंगे कैसे किया उन्होंने, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी करना चाहेंगे। यहाँ देखिए कुछ गुलाब रखे हुए हैं, इधर आप देखेंगे डेंथस रखा हुआ है मैम ने, और ये है बहुत ही सुंदर बोगनवेलिया जिसमें छोटे ही प्लांट पे हो रही है फ्लावरिंग, ब्यूटीफुल। ये व्हाइट है और ये पिंक है, और ये ब्रश वाला आता है ना जी, वो वाला है, बट अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। नाइस, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा आगे चलेंगे, पूरी की पूरी बगिया मैम राजस्थानी जो झलक होती है ना वो नजर आ रही है बगिया में। तो यहाँ पे देखिए सिटिंग एरिया भी ऐसी है इनका, वो अलग सिटिंग एरिया है ओपन वाला, और ये है शेडी सिटिंग एरिया, अगर बारिश हो जाए तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, लेकिन गार्डन का आनंद मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं व्यूअर्स को। ये देखिए कुछ इस तरह की चीजें आप लाके अपने गार्डन में रखेंगे तो बहुत सुंदर। ये एक्चुअली हमारी पुरानी मेरी किचन की रैक थी, तो उसको मेरे से फेंका नहीं गया, जब नया फर्नीचर बना तो मैंने इसको पेंट करवाया, और फिर इसमें जो था ऐसी जो बॉटल है वगैरह खाली, जो सॉस की बॉटल है आप देख रहे होंगे, उसको पेंट करके मेरी बेटी ने रखा हुआ है यहाँ पे। अमेजिंग। फिर ये कुल्हड़ है जो हम चाय पी के फेंक देते हैं, कितने छोटे छोटे कुल्हड़ है आप देखोगे, ये भी ऐसे। हाँ। और ये देखिए ऊपर जो पेंट किया है वो भी इनकी बिटिया ने ही किया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है, मतलब आर्टिस्टिक आपको वर्क देखने के लिए मिल रहा है इनके गार्डन में। और ये देखिए अगेन एक बहुत ही सुंदर कॉर्नर आ चुका है, ये सूप है मराठी में, जैसे सुपड़ी आप जिसको बोलते हैं, तो उसको अब आजकल हम इतना तो यूज नहीं करते हैं, बट ये मेरी शादी का है, मेरी शादी में मेरी मम्मी ने कुछ रिचुअल्स करने के लिए लिया था, तो ये ऐसे ही पड़ा था, तो हम इसको ले आए और इसको सजा के हमारे गार्डन का हिस्सा बना दिया। कितना पुराना होगा मैम? लगभग कितना पुराना है? 25 साल पुराना है। वाह, 25 साल हो गए। 25 साल पुराना सूप आपके सामने है फ्रेंड्स, और कितना सुंदर बना दिया है, कहने ही क्या। ये देखिए, तो इस तरह की चीजें हैं, डेकोरेट करते हैं अपने गार्डन में, तो आप अपने गार्डन और भी सुंदर बना सकते हैं। एक ये कॉर्नर देखिए, यहाँ पे भी एक स्टैंड को लिया इन्होंने, जो कि हम अक्सर अपने इंडोर्स में यूज करते हैं। और ये जीजी प्लांट है, आप देखोगे नॉर्मली तो ये एक बेसिक प्लांट से मैंने इसके 5-6 प्लांट्स बना दिए अभी छोटे छोटे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए अगेन कुछ क्रोटोन की अलग अलग वैरायटीज हैं, पाम लगा हुआ है, और ये पान है, ये पान कौन सा है मैम? ये हैदराबादी पान है। हैदराबादी, कैसा टेस्ट है इसका? इसका टेस्ट भी बहुत मीठा है आपको, और ये खाने से आपका पाचन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बस खाने के बाद आप दो पान ऐसे ही खा लो, बहुत अच्छा है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप दो पान ऐसे खा लोगे तो आपका डाइजेशन बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो बात ये है कि ये भी मेरे घर पे, और मैं जैसे ये जो देसी गुलाब है हमारा, तो इसका गुलकंद भी मैं घर पे बना लेती हूँ ऐसे कलेक्ट कर करके, जैसे पहले तो सुबह भगवान को दिए, फिर वही फ्लावर्स कलेक्ट करके हमने, तो प्रसाद ही होता है वो जी, जी, तो एज अ प्रसाद हम गुलकंद बना के खा सकते हैं, तो ये सब हो जाता है घर में। नाइस, तो फ्रेंड अब हम चलेंगे इनकी ऊपर वाली बगिया में छत पे, और वहाँ देखते हैं किस तरह के पौधे मैम ने लगाए हुए हैं। इसको जासवंत बोलते हैं हम मराठी में, तो जासवंत ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसकी भी आप ग्रीन टी बना के पी सकते हो। लेकिन ये है महाराष्ट्रियन जो कि मैम लेकर आई है महाराष्ट्र से, है ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सत्यनारायण की पूजा करते हैं ना, उसमें इसका बहुत महत्व होता है। ये कचनार के पत्ते हैं, या घर में जो भी आपके फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आपने हमेशा ये पौधे को गमले में देखा होगा। मैंने इसको जमीन में लगाया और करीब 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 10 से 11 साल पुराना ये पौधा है। और इमली से भी थोड़ा सा अलग टेस्ट है।